हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू कॉल क्लासेस आज की वीडियो में हम असाइनमेंट लेकर आए हैं टू जीरो टू थ्री रिगार्डिंग कोर्स कोड सी एच ईस जीरो वन तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिटल ऑफ हीलियम आयन हीलियम आयन मतलब हीलियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वन पॉजिटिव चार्ज मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया है तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा ऑल्सो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिटल इसका मतलब हमें यहाँ पे रेडियस भी निकालना है और साथ ही साथ सेकंड और थर्ड ऑर्बिटल के लिए हमें एनर्जी uh, भी फाइंड आउट करनी है तो so, सबसे पहले हम क्या करेंगे रेडियस uh, निकालने के लिए मैं एक एक्सप्रेशन थोड़ा डिराइव कर देती हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द कूलम फोर्स द बोथ आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन दैट इज वाई वी हैव रिटर्न वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज इक्वल टू वाइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 4 pi epsilon naught. So तो 1 upon 4 pi epsilon naught is a proportionality constant. Centrifugal force half m uh, v square upon r होता है. तो दोनों ही equate कर दी है हमने यहाँ पे दोनों की value substitute करने के बाद हमने v square की value को substitute करा. जिसने हम जिसके वजह से हमने r value को find out करा. R value क्यों find out करें? क्योंकि हमें क्या निकालना है radius. तो इसी r value को हम use करेंगे और हम numerical solve करेंगे. तो हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में हीलियम है तो इसके लिए जेड एटॉमिक नंबर टू होगा और एन सेकेंड ऑर्बिट है तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे एन इज इक्वल टू टू आर वैल्यू हमने वही फॉर्मूला अप्लाई करा एन की वैल्यू सब्सिट्यूट करी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एट पॉइंट एट फाइव फोर इंटू टेन स्पर माइनस ट्वेल्व एच माइनस थर्टी फोर पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर टू और एम इज मासक्ट्रॉन नाइन पॉइंट वन इन टू टेन एक्सपॉर्म माइनस थर्टी वन और यहाँ पे हमने एटॉमिक नंबर टू ले लिया है और यहाँ पे चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तो सभी वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बचती है और टेन एक्सपॉर्म माइनस ट्वेल्व मीटर को हमने क्या लिख दिया है पिकोमीटर थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे थर्ड ऑर्बिट में एन इज इक्व टू थ्री हो जाएगा लेकिन अटोमिक नंबर सेम ही रहेगा तो पूरी वैल्यू ऐसे ही लिखनी है सिर्फ चेंज क्या होगा यहाँ पे थ्री स्क्वायर तो पूरा न्यूमेरिकल की वैल्यू सेम ही रहेगी नाइन अपॉन टू करेंगे इन टू फिफ्टी थ्री करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी इसके बाद हम चलेंगे एनर्जी के ऊपर तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे एनर्जी ऑफ द हीलियम आयन फॉर एन एनथ ऑर्बिटल दैट इज गिवन बाय बाय दिस वैल्यू सेकंड ऑर्बिट है तो यहाँ पे जेड वही रहेगा जेड हीलियम के लिए टू दिस इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रहेगा और यहाँ पे वैल्यू कॉन्स्टेंट है प्लैंक कॉन्स्टेंट भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है एन की वैल्यू चेंज होगी सेकेंड ऑर्बिट के लिए यहाँ पे टू सब्सिट्यूट करेंगे थर्ड ऑर्बिटल के लिए यहाँ पे थ्री सब्सिश्यूट करेंगे तो हमने यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट करी है सभी सॉल्व करने के बाद आपके पास जूल में आंसर आ जाएगा थर्ड ऑर्बिटल के लिए यहाँ पे देखिए एन वैल्यू चेंज है बाकी सब सेम है और इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर यहाँ तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है इसके बाद हम करेंगे बी पार्ट कैलकुलेट द वेव लेंथ वेव लेंथ मतलब वेव नंबर दैट इज मीटर इनवर्स एंड एनर्जी वैल्यू इन द पर मोल ऑफ द लाइट ऑफ एन वेव लेंथ ऑफ द वेव लेंथ एट हंड्रेड नैनोमीटर तो हमें गिवन क्या है यहाँ पे लेमडा वैल्यू दैट इज एट हंड्रेड नैनोमीटर लेकिन हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है मीटर में टेन एस फॉर माइनस नाइन से मल्टीप्लाई करके और फॉर्मूला क्या है हमारे पास वेव नंबर के लिए वन अपॉन लेमडा तो वन अपॉन लेमडा करा हमने हमारे पास ये वैल्यू आई तो हमने इस वैल्यू को चेंज करा है डेसिमल चेंज करने के बाद पास पास मीटर हमारे आंसर आएगा एनर्जी की वैल्यू एच सी बाई लैंडा एच इज ब्लैंक कॉन्स्टेंट हेयर सी इज लाइट लैंडा जो हमें क्वेश्चन में गिवन था जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया उसके बाद हमने सिर्फ यहाँ पे टेनिस यहाँ पे माइनस प्लस तो बेस माइनस माइनस प्लस करा और ये वाली पार ऊपर जाके प्लस में हो गई तो इसके बाद हमने क्या करा इन दोनों को मल्टीप्लाई करा नाइनटीन पॉइंट एट सिक्स इन दोनों को डिवाइड करने के बाद टू पॉइंट फोर एट ये वैल्यू हमने क्या करा है जीरो पॉइंट जीरो टू फोर एट आ रहा था तो हमने टू डेसिमल्स यहाँ पे एडजस्ट uh, कर दिए इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर राइट द वैल्यू ऑफ फोर क्वांटम नंबर एस ऑर्बिटल एंड फोर पी फोर एस में आपको पता होगा कि एन वैल्यू क्या होती है एन एस है तो एन यहाँ पे फोर हो जाएगा एस ऑर्बिट के लिए एल वैल्यू हमेशा जीरो रहती है क्योंकि एल जीरो है तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा यहाँ पे जीरो ही रहेगा तो स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा प्लस हाफ और माइनस हाफ ही रहती है फोर पी फोर पी मतलब एन एन वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगी? आ जाएगी फोर एस ऑर्बिट के लिए एल वैल्यू जीरो होती है पी ऑर्बिटल के लिए एल वैल्यू वन होती है डी ऑर्बिटल के लिए एल वैल्यू टू होती है क्योंकि एल वैल्यू वन है इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा माइनस वन से लेकर प्लस वन तक माइनस वन ज़ीरो प्लस वन पी ऑर्बिटल के लिए स्पिन हमेशा सेम ही रहेगी प्लस हाफ माइनस हाफ तो यहाँ से हमने ये ए पार्ट हमने आप यहाँ पर दोबारा देख ले लीजिए और ये हमने सेकेंड क्वेश्चन को सेकेंड uh, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है बी पार्ट बी पार्ट इज द टीप रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मास ऑफ द बॉडी दैट इज वन पॉइंट फाइव के जी मूविंग 100 हंड्रेड मीटर्स पर सेकेंड तो गिवन हमारे पास एम वी वैल्यू है लेमडा इज इक्वल्स टू डे प्रॉब्लि वेवलेंथ क्या होती है लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी तो एच वैल्यू हमने सबसे यूज करी एम वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी विलोसिटी हमें गिवन है तो so दोनों को हमने क्या करा यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ यहाँ पे टेन स्पॉट टू था उधर जाके माइनस माइनस थर्टी सिक्स हो गया और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास फोर पॉइंट फोर वन एंसर आता है तो so ये यह हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर थर्ड क्वेश्चन इज अराइव लुई स्ट्रक्चर आई सी एल टू पॉजिटिव आईसीएल टू नेगेटिव हमें लुइ स्ट्रक्चर बना, बनाने हैं और उसके बाद हमें आ, शेप ऑफ द कंपाउंड को डिस्कस करना है तो सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना होगा दैट इज द स्टेप वन तो आई सी एल टू पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे इस यहाँ पे देखिए हेलोजन है इसके बेलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सेवन क्योंकि एक आयोडीन है तो इसलिए सेवन क्लोरीन के लिए भी सेवन लेकिन यहाँ पे दो क्लोरीन है तो यहाँ पे टू इंटू सेवन दैट इज फोर्टीन आ जाएगा तो टोटल तो नंबर ऑफ बेलेंस इलेक्ट्रॉन ट्वेंटी वन स्टेप टू में क्या होगा पॉजिटिव चार्ज है अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हमें उतना ही पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना होता है अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है तो उतना ही नेगेटिव चार्ज हमें प्लस करना होता है टू द वेलेंस इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ पे वन पॉजिटिव चार्ज है आईसीएल टू पॉजिटिव पॉजिटिव सिर्फ वन पॉजिटिव है इसलिए हमने वन को माइनस कर दिया तो हमारे पास ट्वेंटी वेलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए तो लेकिन यहाँ पे अगर आईसीएल टू नेगेटिव की बात करेंगे वहां पे हमने एक चार्ज को ऐड किया है क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था इसके बाद चलते हैं आगे ड्रॉ द स्केलेटल स्ट्रक्चर तो रफ स्ट्रक्चर कैसे करेंगे हम आई सी एल टू आईसीएल टू नेगेटिव के लिए भी उसके बाद हमें क्या लगाना है यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर फोर इलेक्ट्रॉन हमें एडजस्ट कर दिए हैं बाकी के इलेक्ट्रॉन हम सभी के ऊपर लगा देंगे यहाँ पे भी तो यहाँ पे देखिए कितने लगेंगे सेवेंटी यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने लगेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन्थ उसका क्योंकि तो क्लोरीन के पास सेवन विलियंस इलेक्ट्रॉन है ना तो यहाँ पे हम सेवन लगाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन्थ क्या होगा इसका बॉन्ड का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन्थ हो गया बॉन्ड का तो इसके बाद बाकी जो बचेंगे वो हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लगा देंगे सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों को अगर देखें यहाँ पे टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे थ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री भी डिफरेंट हो जाएगी यहाँ पे ज्योमेट्री को डिस्कस करने से पहले हम एक टेबल बना लेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ अराउंड द सेंटल आइटम आईसीएल टू पॉजिटिव के लिए क्या होंगे टू और नेगेटिव के लिए भी टू है लोन पेयर लोन पेयर में डिफरेंस है टू है एक में थ्री है इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करेंगे आईसीएल टू नेगेटिव का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड ट्राइगनल पिरामिडल होगी वैसे तो ट्राइगनल पिरामिडल होनी चाहिए लेकिन तो थी लेकिन डिस्टॉर्टेड है ड्यू टू द एस पी थ्री हाइब्रेडाइज शेपनल बाई पिरामिडल शेप, क्यों क्योंकि यहाँ पे आयोडीन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज वाई देयर आर थ्री लोन पेयर्स इन द इक्वेटोरियल पोजिशन और बाकी क्लोरीन दो क्लोरीन किस फॉर्म में है एक्जल पोजिशन में है उसके बाद पॉजिटिव शेप ऑफ कंपाउंड इज डिस्टॉर्टेड ओरिजिनल बाई पिरामिडल शेप दिस इज बिकॉज द सेंट्रल एटम हैज टू लोन पेयर एंड टू बॉन्ड पेयर्स बी पार्ट इज द न्यूमरिकल कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ले पे आपका यूनिट है थ्री जिसमें एक टेबल है थ्री पॉइंट वन जीरो उस टेबल में कुछ मेजरमेंट्स दे रखी हैं उन मेजरमेंट्स को यूज़ करके आपको बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करनी है ब्रोमो इथेन के लिए ब्रोमो इथाइलिन के लिए ब्रोमो इथेन में जिसमें सभी बॉन्ड्स जो होंगे वो सिंगल होंगे और ब्रोमो इथाइलिन में डबल होंगे लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन टेबल वाला यूज़ नहीं करना है क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है आई थिंक थर्टी है लेकिन आपको यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि आपको ये वैल्यू सिर्फ ट्वेंटी एट पिकोमीटर ही यूज करना है यहाँ पे हम ब्रोमोथेन का स्ट्रक्चर बना लेंगे सी एच थ्री सी एच टू सिंगल मॉन्ड ब्रोमीन तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं वन टू एक कार्बन के लिए कितने हैं सेवेंटी सेवन पिकोमीटर ये टेबल से वैल्यू मिल जाएगी आपको तो हमने टू से मल्टीप्लाई किया प्लस हाइड्रोजन कितने हैं थ्री प्लस टू फाइव फाइव इंटू ट्वेंटी एट क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू ट्वेंटी एट ही लेनी है ब्रोमीन तो वन वन फोर इतना ध्यान रखना है कि कार्बन वो वैल्यू लेनी है अगर सिंगल बॉन्ड के लिए है तो सिंगल बॉन्ड वाली लेनी है अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की लेनी है अगर डबल बॉन्ड भी दो तरीके के हैं वो एल्केन्स में है एल्केन्स में है या फिर एरोमेटिक पोजिशन में है एरोमेटिक के लिए मेजरमेंट अलग है और एल्किन के लिए डिफरेंट है तो सभी को वैल्यू को प्लस किया फोर जीरो एट पिकोमीटर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसमें कार्बन भी डबल बॉन्ड ही लेंगे तो कार्बन कितने हैं टू तो इंटू टू प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन थ्री है थ्री इंटू ट्वेंटी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोम ब्रो बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल और बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन आपको इसको डिस्कस करना है आ, बोरो ट्राई फ्लोराइड के लिए हमारे पास बोरोन एटम है बोरोन एटम में आउटर शेल में थ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्राउंड स्टेट में और फ्लोरीन की बात करें तो वहाँ पे सेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन यहाँ पे फ्लोरिन कितने हैं टोटल यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे अगर हम बात करें बोरोन के पास थ्री फ्लोरिन एटम्स हैं तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड टू एस ऑर्बिटल एंड टू पी ऑर्बिटल गेट्स हाइब्राइज ओनली वन ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल लेफ्ट बिहाइंड एज अ लोन पेयर देखिये यहाँ पे टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन क्या है यहाँ पे बॉन्ड पेयर है बोरोन नीड्स थ्री हाइबाइज ऑर्बिटल्स टू मेक थ्री बॉन्ड्स विद एटम फ्लोरिंग तो थ्री बॉन्ड्स बन गए हैं वेयर टू पी सेट ऑर्बिटल गेट ओवरलैप विद द

शो कर देते हैं ताकि असाइनमेंट में वो अफेक्टिव भी लगेगा लेकिन कैसे शुरू वो कैसे बना है यहाँ पे देखिए बोर है बोर का टोटल फाइव इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट हो जाएगा और अगला भी तो यहाँ पे देखिए पी ऑर्बिटल एम पटी बच जाएगा यहाँ पे देखिए एस ऑर्बिटल पी और पी एस पी टू है ना तो ब्रोमी ब्रोन का बोरोन का क्या है यहाँ पे देखिए एफ फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड वन टू थ्री टोटल थ्री सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम द लुइज स्ट्रक्चर डिटर्मिन द हाइब्रिडाइजेशन आई एफ फोर पॉजिटिव आई सी एल फोर नेगेटिव तो सिमिलरली जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे हम यहाँ पे करेंगे टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है दोनों ही तो दोनों ही क्या आएंगे यहाँ पे सेवन सेवन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेकिन फोर लेने पड़ेंगे यहाँ पे फ्लोरीन फोर है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस हम वन माइनस कर देंगे तो हमारे पास थर्टी फोर आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए आयोडीन वन टू थ्री फोर फोर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहाँ पे बाकी क्या बचेंगे इसके ऊपर लोन पेयर्स और जाओ बाकी थर्टी टू सभी अरेंज हो जाएंगे लेकिन यहाँ पे टू अरेंज करने के लिए यहाँ पे इसके ऊपर लोन पेयर देना पड़ेगा इसके बाद आईसीएल फोर नेगेटिव में भी देख लेंगे वेलेंस इलेक्ट्रॉन है वेलेंस इलेक्ट्रॉन में आयोडीन में सेवन इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकिन क्लोरिन कितने हैं फोर तो और टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे थर्टी फाइव क्योंकि उस पर वन नेगेटिव चार्ज है तो हमें प्लस करना पड़ेगा अगर तो वन पॉजिटिव होता है तो वन एक माइनस करते हैं लेकिन यहाँ पे प्लस करेंगे तो स्केलेटल स्ट्रक्चर हमारे पास ये ऐसा आएगा लेकिन टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज करने हैं थर्टी फोर अरेंज हो जाएंगे लेकिन यहाँ पे चार जो हैं यहाँ पे लगाने पड़ेंगे तो यहाँ पे दो लोग पे और फ्लैट पन्स जाएंगे फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट इज डेफिनेशन बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इनकी डेफिनेशन बताए और उसके रिगार्डिंग वन ऑर्बिटल को ज्वाइन करके बताएं तो यहाँ पर मैंने आ, जो डेफिनेशन है और जो एक्सप्लेनेशन है वो साथ के साथ दे दी है दोनों ही एक ही में एक ही आंसर में आपको मिल जाएंगी तो मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में इसमें आंसर जो है अट्रैक्टिव लगेगा और इसके साथ साथ इसको आप दोबारा देख लीजिए और जो स्टूडेंट्स इसको नोट करना चाहते हैं वो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं तो ईजी वे में यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट यूजिंग एमओटी मोलिक्यूल और ऑर्बिटल थ्योरी आपको एक्सप्लेन करना है ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन एंड पार ऑक्साइड मतलब कि ओ टू टू नेगेटिव आयन इन दोनों में से कौन स्ट्रांगर है यहां पे बताया गया है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्ट्रांग है क्यों तो हमें कुछ नहीं करना है सिर्फ इसकी मोलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन लिखनी है दोनों के बॉन्ड ऑर्डर निकालने हैं जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वही ज्यादा स्टेबल होगा और वही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर फिर परसाइड की मॉलिकुलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन उसके बाद उसका बॉन्ड ऑर्डर क्योंकि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम है इसीलिए उसकी स्ट्रांग वो स्ट्रॉन्गर भी ज्यादा है एज़ कंपेयर टू पर ऑक्साइड तो इसी के साथ हमने इसके पांच क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं हाफ असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है बाकी की भी हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे तब तक आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए बाकी कौन सी असाइनमेंट चाहिए आपको आप कमेंट बॉक्स में आ, मैसेज करके छोड़ सकते हैं और रिगार्डिंग एग्जाम आपको कौन सी वीडियो चाहिए कौन सा लेक्चर चाहिए वो भी हम आप, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तब तक इन वीडियोज़ को नोट कर लीजिए क्वेश्चन को इनके आंसर्स को नोट कर लीजिए सल्यूशन लिख लीजिए और वीडियो को देखते देखते अगर आपको हेल्पफुल लगी है आपका टाइम सेव करती है तो इसको जाते जाते लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तब तक के लिए थैंक यू